आजकल खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता, और खूबसूरत दिखने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो दिन ब दिन बदलते दिख रहे हैं, जिसमें आजकल मेकअप, एचडी मेकअप जैसे कई स्किन और हेयर से जुड़े मेकओवर किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में शहर की सुप्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजी भक्ति मेश्राम और उनकी टीम द्वारा 15 और 16 नवम्बर को 2 दिवसीय प्रोफेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें स्किन एंड मेकअप वर्कशॉप, एयरब्रश मेकअप के साथ साथ कई तरह मेकअप से जुड़ी जानकारी इस वर्कशॉप में दी गई है। तो चलिए जानते पूरी टीम से इस वर्कशॉप के बारे में। भक्तिज एकेडमी द्वारा जो है 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, और यहाँ पे 2 दिन में जो है कई वर्कशॉप स्किन और मेकअप से जुड़े होने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का ये आयोजन होगा और कौन कौन यहाँ सिखाने आ रहा है, क्या बताएंगे। गुड आफ्टरनून, पहले तो थैंक यू सो मच क्षितिजा मैम फॉर कमिंग। ये 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन टीम में हम लोग 5 पार्टनर्स हैं, पूनम गोकुलपुरे, संयुक्ता फाई, डॉक्टर अंकिता थोर, शहनाज कुरेशी एंड माई सेल्फ आई एम भक्ति मेश्राम। भक्ति मेश्राम आई एम रजिस्टर्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हम तीनों जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ISRO, IAF, और सारे रजिस्ट्रेशन हमारे डन हैं। और हमने ये एजुकेशन लिया है पुणे से, सो ये फर्स्ट टाइम हमने मेकअप प्लस परमानेंट मेकअप इनको कंबाइन करके एक प्यारा सा ग्रैंड सा वर्कशॉप अरेंज किया है। वर्कशॉप में आपने भीड़ तो देखी होगी, काफ़ी अच्छी है, रिस्पांस भी बहुत प्यारा आया था एंड रियली ग्रेटफुल, मतलब ये सक्सेसफुल बहुत अच्छे से चल रहा है। नागपुर में ये पहली बार हुआ है जो वर्कशॉप में इतनी भीड़ है। एक्चुअली इतनी नहीं रहती है, परमानेंट क्लासेस में 10-15 मैक्स 20 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन हमारे वर्कशॉप में 85+ स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हैं। सो ये बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट था मेरी और मेरी कम्प्लीट टीम का जो आज हमने सक्सेस करके दिखाया है। एंड कैरी ऑन 2 अदर टीम मेंबर्स, संयुक्त फाई, पूनम गोकुलपुरे मैम हमारे साथ में है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि कई सेमिनार्स होते हैं, आज क्या खास था आपके सेमिनार में? आज तो सबसे पहली खास बात ये थी कि ये तो वर्कशॉप था। ऊपर से आपने देखा होगा सेमिनार्स में हमेशा लुक एंड लर्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का जो अटेंशन जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। एंड फिर बाद में तब तक के लिए तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने एंजॉय किया, हमने देखा इतने लोग आए थे, हमने लंच किया, ये सब किया। देन आफ्टर व्हेन दे कम बैक होम दे रियलाइज कि हमने थोड़ा सा ही सीखा, लाइक जस्ट अ टिप और ट्रिक। बट जब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देते हैं तो हमने अरेंज किए हैं हर स्टूडेंट्स के लिए 10-15 मशीन्स हमने अरेंज किए हैं, हमने हर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस मिले इसलिए 5-6 मॉडल्स अरेंज की हुई है। एंड जिसके कारण क्या होगा कि हर स्टूडेंट एक बार तो भी लाइफ में वो मशीन ले पाएगा वर्कशॉप के प्लेटफॉर्म पे। ओके, ने महिलाओं के लिए भी किया है, जो महिला ये लाख-लाख 2-2 लाख रुपए देकर ये वर्कशॉप नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मात्र 2,000 रुपये में हमने वर्कशॉप अरेंज किया था। एक ये भी था कि उनको भी जो नहीं कर सकते हैं उनको भी ये मौका मिले ताकि वो आगे जाके कुछ करे, अपने लाइफ में सक्सेस पाए, उनकी इंक्रीमेंट हो, उनका जो सलून स्टाइल है वो चेंज हो, उनकी मतलब प्रोफेशनल वे ऑफ स्टैंडिंग है वो भी स्टैंड, सभी चीज़ें मतलब ये हो, एक्टिवेट हो। एक्चुअली हम लोग का टारगेट ये था कि हम लोग सेमिनार से बढ़कर एक कदम उठाए, जो हमारी पूरी टीम ने उठाया है, मैं पूनम गोकुलपुरे। एक्चुअली ये जो कदम हमारा है वो उन आर्टिस्ट के लिए जो ऑलरेडी सेमिनार ले लेके बहुत दिन से परेशान है, वो ये चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसा सीखने मिले जो हैंड ऑन प्रैक्टिस है। तो आज जो हमारा हो रहा है ये हैंड ऑन प्रैक्टिस है। इसमें स्पेशली हम लोगों ने ऑफर्स ये रखा हुआ है कि ये लोग हाथ से अपना प्रैक्टिस करके हर चीज़ को क्लियर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। स्पेशली डिफरेंट ये है परमानेंट एंड मेकअप, मतलब परमानेंट मेकअप के साथ मेकअप, यानी स्किन से लैशेस जो होती है नकली और असली दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ करा रहे हैं। ये लोग असली लैशेस लगाना सिखाने वाले हैं और हम लोग नकली लैशेस, असली मेकअप नकली मेकअप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्यों और कैसे किया जाता है, विथ थ्योरी विथ प्रैक्टिकल, तो बहुत अच्छा है हमारा सब्जेक्ट। मला असं वाटतं की आपल्या पत्नीने किंवा आपल्या वाईफने समोर जावं आणि आपण त्यांना प्रोत्साहित केलं पाहिजे असं मला वाटते, आणि नेहमी त्या दिशेने ते करत असतात आणि त्यांची जी अपेक्षा असते किंवा ती जी मेहनत घेत असतात नेहमी, ती मेहनत खरंच खूप चांगली असते, कारण की ते जेवढं कामं करत असतात तेवढं आपण सुद्धा करू शकत नाही। आपण नुसतं काम करतो एक हजबंड म्हणून किंवा एक बॉय म्हणून किंवा एक स्टुडंट म्हणून, पण त्यांचं इतकं हे असते, त्याला आपण काय म्हणतो की सगळ्यात जास्त जे पॉवर असतो तो त्यांच्यामध्येच दिलेला आहे। एक गृहिणी म्हणून म्हणा, मग त्याच्यानंतर एक आई म्हणून म्हणा, मग त्याच्यानंतर तुम्ही हजबंड म्हणून म्हणा, आपला वाईफ म्हणून म्हणा, आणि त्याच्यानंतरसुद्धा ते जॉब करणं आणि स्वतःला सक्सेसफुल बनवणं हा सगळ्यात मोठा भाग आहे। तर म्हणून मी माझ्या वाईफला मी प्रोत्साहित करतो, शी इज रिअली ग्रेट, थँक्यू।
मेकअप असली और नकली ये हमें पता नहीं था, लेकिन इस सेमिनार से हमें पता चला है कि मेकअप भी असली और नकली होता है, और जिसका ट्रेनिंग यहाँ दिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।